ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് മത്സരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ബൊംബൈല ദേവിക്ക് കരുത്തു പകരുകയാണ് പത്മശ്രീ. മണിപ്പൂരിൽ മേരികോമിന്റെ മാതൃക പിന്തുടർന്ന് അംബേദ് അക്കാദമി സ്ഥാപിക്കുമെന്നും ബൊംബൈല ദേവി ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. രാജ്യം പത്മശ്രീ നൽകി ആദരിച്ച അംബേദ്കാരി സ്പോർട്സ് താരം ബൊംബൈല ദേവി ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിനൊപ്പം ചേരുന്നു. മാം, ഹൗ യു ഫെൽറ്റ് you received the Padmasri from Ramnath Kovind and you are representing Manipur, total 7 sisters, Northeast is very happy with your achievement. Yes, mujhe bahut acha laga kyunki mera archery ke through, mera game ke through mujhe ek itna bada award mila hai aur India ka jo president hai uska haath se bahut acha laga aur sab log bahut sara log ko bhi mila aur hum log ka sports mein se 4 log ko jo abhi diya पहले भी दे चुका है, 2-3 प्लेयर था लेकिन हम लोग का स्पोर्ट्स में से 4 प्लेयर को चुना तो उसमें मेरा नाम भी है तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई. हाउ वाज योर डिफिकल्ट जर्नी? मणिपुर में तो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है लेकिन फैसिलिटी बहुत कम है तो अभी बहुत सारा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो रहा है तो थोड़ा और फैसिलिटी अभी थोड़ा बढ़ रहा है. पहले हम लोग जब नया नया आर्चरी में आया तब तो इतना फैसिलिटी नहीं था तो अभी बहुत अच्छा हो रहा है क्योंकि मेरा जितना मैंने जब आर्चरी में आया तो मुझे बहुत डिफ़िकल्टी हुआ था क्योंकि जैसे अभी जो परफॉर्मेंस यहाँ पे जो हूँ मैं यहाँ पे तो इक्विपमेंट ये सब मिलना बहुत मुश्किल था तो बहुत दिक्कत हो रहा था लेकिन स्ट्रगल करते करते अभी आगे आते आते अभी यहाँ पहुँचा तो अभी हम लोग का मणिपुर में भी स्पोर्ट्स में बहुत सपोर्ट कर रहे हैं. बहुत सारा लोग फैमिली लोग जैसे गवर्नमेंट ये सब सपोर्ट कर रहे तो बहुत अच्छा है. वेदर पर्सन